हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपका असेसमेंट दूंगी मैं, आपको क्वेश्चन आंसर दूंगी, क्वेश्चन दूंगी कुछ जिसका आपको आंसर अपनी तैयार करनी है। मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि क्या 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 स्टोरी है ईवीएस के जो चैप्टर सेकंड है प्लांट फेरी वाला उस वाले, ठीक है। तो हमने देखा कि डिफरेंट वी हैव सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स होते हैं जिनके मार्जिन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कुछ मार्जिन कुछ स्ट्रेट मार्जिन के होते हैं, कुछ राउंड मार्जिन के होते हैं, ठीक है। कुछ ट्राइंगुलर शेप होते हैं इस टाइप के, जैसे ट्राइंगुलर शेप हो गए इनके मार्जिन में। कुछ कुछ लीव्स के आपके स्पाइंस होते हैं जैसे आपके कैक्टस हो गया, ठीक है। कुछ लाइट येलोविश लीव्स होते हैं, कुछ डार्क ग्रीन होती हैं, कुछ लाइट ग्रीन होते हैं। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स आप देखते हो अपने आसपास के एरिया में। आसपास के आपके प्लांट्स होते हैं वहाँ पे भी आप बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखते हो जो एक दूसरे से अलग होते हैं। कहने को तो सारे प्लांट्स होते हैं बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनका अलग अलग, उनका देखने में अलग से हम उनको पहचान जाते हैं। जैसे किसी का लार्ज, किसी का थिक ट्रंक होता है, बहुत भारी जो होता है तना होता है, किसी का थिन ट्रंक होता है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है कुछ जो आप आसपास अपने एरिया में देखते हो, वहाँ के एटलीस्ट आप अपने देखो कि उनका लीव्स उठा के देखो, उनको लीव्स जो ग्राउंड पे पड़े होते हैं उनकी एटलीस्ट उनको एक बार स्टडी करो, देखो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स है उनकी। हर किसी की जो स्ट्रक्चर होगा लीव्स का वो अलग को अलग पाएगा हर ट्री का, ठीक है। तो मैं आपको असेसमेंट देती हूँ इससे रिलेटेड क्या क्या असेसमेंट है। चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, हु फाउंड द गेम इंटरेस्टिंग। यहाँ पे एक लड़का था ना माइकल, जिसको गेम इंटरेस्टिंग लगा था। दिस द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। हु सेड द देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स लीव्स, कि यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं लीव्स की। यहाँ पे भी एक लड़की थी जिसका नाम अमू होता है, AMU, ठीक है। उसने कहा था कि मैंने तो देखा ही नहीं था कि इतने टाइप्स ऑफ कलर्स लीव्स के, इतने सारे टाइप्स ऑफ कलर्स भी हो सकते हैं। वाई वी आर नॉट प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स। मैंने आपको इसको आंसर ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है। राइट सम प्लांट्स एंड ट्री नेम विच आर सीन अराउंड यूर एरिया। मतलब तुम आपके एरिया के अंदर जितने भी प्लांट्स और लीव ट्रीज होते हैं उनके आप एटलीस्ट नाम लिख के लाओगे। देर आर एनी प्लांट्स दैट यू हर्ड ऑफ बट नेवर सीन विच वन। मतलब ऐसा कोई भी प्लांट है जो आपने कभी, जिसके बारे में आपने सुना हो अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, लेकिन आपने कभी उसे देखा ना हो, तो उस टाइप के प्लांट को आपका बारे में कुछ एक दो प्लांट्स के नाम आपको लिख के लाने हैं और उनका रीजन भी देना है कि आप लोग आजकल उसको क्यों नहीं देख पाते हो, क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया या फिर कुछ भी, एनी वन जो भी उसका रीजन हो, ठीक है। उसके बाद आपका है सम ड्रॉ सम फिगर्स ऑफ लीव विच आर फाउंड अराउंड योर एरिया। मतलब जैसे मैंने आपको फिगर बना के लीव्स की स्ट्रक्चर बना के बताई थी ना, ये तो आपके जनरली वो लीव्स है जो जनरली इनमें से आपका लोटस का देखा होगा आपने, डेट पाम का देखा होगा आपने, कैक्टस देखा होगा। आई थिंक ये सारे लीव्स तो आपने मुश्किल ही देखे होंगे, 1, 2, 3, 4। लेकिन आपने आपके वो लीव्स बना के लाने हैं जो आसपास, जैसे नीम का पेड़ हो गया और भी बहुत सारे पेड़ होते हैं आपके आसपास, उनकी लीव्स की स्ट्रक्चर आपको एटलीस्ट बना के लानी है अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।